अच्छे से शुरू करो। गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। सो दिन आज 156 156। तो आज का जो वर्कआउट है उसके अंदर तीन पार्टनर है। नेटी की थोड़ी लेग्स ज्यादा सोर होगी इसलिए वो आज छुट्टी पे है। निखिल भाई है और पीयूष भाई है मेरे साथ में। तो हम आज बैक का वर्कआउट भी कर रहे हैं, साथ में फंक्शनल ट्रेनिंग कर रहे हैं। तो बैक में हम तीन एक्सरसाइज इंक्लूड कर रहे हैं, चिनअप्स। मैं और निखिल भाई चिनअप्स कर रहे हैं। पीयूष पहले इन्वर्टेड रोइंग कर रहा था लेकिन अब चिनअप होल्ड पे ट्राई करेगा ये। उसके बाद हमने लैट पुल डाउन करने हैं, उसके 10 से 12 रेपिटेशन, फिर वन आर्म डंबल रोइंग। पोजीशन बीच बीच में देख लेना ताकि आपको अंदाजा रहे कि क्या आपको बैक की पोजीशन रखनी होती है। लेटर ऑन बैटल रोप, फार्मर वॉक एंड स्लेज हैमर, फिर एंड में अपनी स्किपिंग करेंगे। तो पहले चिनअप से स्टार्ट करते हैं। सो ये मेरी टीम सेकंड डे पे आई है जोश के साथ। चलो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट सेट ऑफ अवर चिनअप्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एक ज्यादा हो गया, सघन पा दिया हमने। पीयूष होल्ड करेगा, पीयूष जल्दी आ जाए। अब लैट पुल डाउन करना है तो हम लैट पुल डाउन के लिए ये वाली ग्रिप ले रहे हैं। लास्ट टाइम हमने दूसरी वाली ली थी जो नई ग्रिप आई थी शोंग के साथ में। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो वेट हैवी रख रहे हैं हम जान के, क्योंकि तीन एक्सरसाइज लगा रहे बैक की। पीयूष ने होल्ड कर लिया था, तो जिनसे नहीं होते ऐसे चिनअप्स वाले वो कोशिश कर रहा करो होल्ड से स्टार्ट कर लो जितनी भी देर होता है, 10 सेकंड 5 सेकंड। अब वन आर्म डंबल रोइंग करते हैं। सो वन आर्म डंबल रोइंग की पोजीशन ऐसे भी हो सकती है या लोग बेंच पे ऐसे रखते वैसे भी हो सकती है और ऐसे भी हो सकती है। यदि में थोड़ी रेंज रेंज ऑफ मोशन बढ़ जाता है तो इसलिए ये वाली ट्राई करके देखना। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हरू निखिल भाई। सो अब निखिल भाई पोजीशन मतलब सेट कर रहे हैं, तो एक बार मैं इनकी पोजीशन करेक्ट भी कराता हूँ, आपको बताता हूँ। वो पैर ऐसे आएगा, स्पाइन स्ट्रेट, इंक्लाइन हो या टेबल टॉप पोजीशन, रेंज पूरी रखनी है नीचे तक और ये वापस, तो कोशिश करनी है इसके पैरेलल में आना चाहिए। ये हो गया अपने, अब हम बैटल रोप कर रहे हैं। तो सर आ जाते हैं, इनको हम नमस्ते कर देते हैं। आ जाओ सर, आप बैटल रोप करें। बैटल रोप 20 सेकंड्स, तो टाइम देख लेना आप। अब फार्मर वॉक करना है तो फार्मर वॉक के 2 राउंड्स मार रहे हैं, 10 केजी के केटलबेल यूज कर रहे हैं। बाकी पीयूष अभी बैटल रोप करेगा। निखिल भाई कहां पे पहुंचे? ऑलमोस्ट देयर, आखिरी कुछ कदम बचे हैं, कदम बोले तो स्टेप्स। अब पीयूष करेगा फार्मर वॉक। पीयूष आ जा। अब मेरे बचा है हैमर एंड स्किपिंग। सो स्लेज हैमर कर रहा हूं मैं अभी राइट नाउ।
पीयूष करेगा स्लेजहैमर, निखिल भाई करेंगे फार्मर वॉक, मेरी लास्ट स्किपिंग बची है। चलो निखिल भाई आ जाओ। सो बीच में थोड़ा थोड़ा रेस्ट ले लिया करो जब फंक्शनल ट्रेनिंग जाते हैं। काउंट्स फॉर चला था पीयूष। निखिल भाई रेडी कम ऑन। सो मोटिवेट करते रहना है अपनी टीम को ऐसे ताकि वो पीछे लैक ना कर जाए किसी चीज में, और जो नहीं सुनता तो उनको मारना भी है। सॉरी ये हमारा पीयूष स्किपिंग सिखाता हुआ। पीयूष के लिए वो पहाड़ी गाना जो आजकल रील में बड़ा चल रहा है, टुमक 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 टुमक। मैं 50 का हूँ पीयूष, कुछ करके दिखा दो, गाना लगा दूंगा मुझे। वेरी गुड निखिल भाई, फार्मर वॉक कर लिया था? फार्मर वॉक किया था? नहीं निखिल भाई के फार्मर वॉक। निखिल भाई अपनी अलग से रील बनाते हुए बीच बीच में रेस्ट का पूरा इस्तेमाल कर रहे हैं, बेसिकली बाद में मौका नहीं मिलता। ये प्रूव है कि ये अपने लिए प्रूव जोड़ रहे हैं ताकि जब एक साल कम्प्लीट हो तो अपना एप्पल वाला दिखा देना, योर मेमोरीज यू हैव क्रिएटेड। तो मेरा टारगेट यही है 365 में से 300 डेज को। जी माना बहुत ही बढ़िया, सर ने एक टारगेट लिया हुआ है, लंबा टारगेट है लेकिन इसको छोटे छोटे में डिवाइड करके रोज आ रहे हैं कंप्लीट करने। विंटर्स होगी फिर तो आ ही जाएगा बंदा, विंटर्स आर द मोस्ट क्रिशियल टाइम, समर्स में तो ऐसे बंदा उठ जाता है। चलो बातें बहुत होगी, आपका फार्मर वॉक बचा, स्किपिंग बची है, चले जरा। देखो ऐसे बात हो रही सर, हो रही मैं दिखाता हूँ आपको। सो ये था आज का वार्ड, मतलब स्ट्रेंथ ट्रेनिंग प्लस फंक्शनल ट्रेनिंग, वार्ड नहीं है स्ट्रेंथ और फंक्शनल ट्रेनिंग, जिसको हमने थोड़ा अपने हिसाब से डिजाइन किया। आप थोड़ा मॉडिफिकेशन कर सकते हो अकॉर्डिंगली जो आपको सूट करता है, वेट स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग डालना है, ज़्यादा ईगो या ओवरवेट लिफ्ट नहीं करना, अपने डंबल वापस रैक कर देने हैं, और बाकी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, शेयर भी कर देना बाकी के साथ। चलो मिलते हैं कल नई वीडियो के साथ, जय हिंद और हर हर महादेव। तूने स्टार्ट कर दी वीडियो? गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग? सो दिन आज 156। तो अभी मैंने देखा था थोड़ी देर पहले निखिल भाई जो मेरे पीछे खड़े हैं, खिड़की से बाहर जाने के फिराक में थे, जिनको हमने रंगे हाथों पकड़ लिए पीछे से। अभी इधर तू क्या बोलता रहा था? मैं गुड मॉर्निंग गाइस, नमस्कार, नमस्ते। तो ये पीयूष है बेसिकली बाय बर्थ यहीं पे है, लेकिन जो इसका कंट्री ओरिजिन है इंटरनेशनल अब्रॉड से आए हैं, नेपाल से। फिजिक ऐसे देखो यार, कौन पा रखा है ये, देखो यहाँ से आ रहे बैक के, देखो ये देखिए। तो ये पीयूष नेपाल से, किसको नेपाल जाना तो इससे सजेशन दे देना, कहाँ घूमना है कहाँ नहीं घूमना है। ना ज्यादा नहीं, सब कुछ मैं कराऊंगा, 5,000 रुपए लूंगा एक दिन का, सब सही है। अगर कोई मनीष सर का नाम लेके आएगा उसके लिए बिल्कुल फ्री। गुड मॉर्निंग एवरीवन।